तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये कीपैड का फ़ोन है और ये चाइना फ़ोन है, की का ही फ़ोन है। और ये देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर 310 है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम है, जो कि इसमें डिस्प्ले का लाइट हल्का आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले का लाइट एकदम हल्का आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देखता हूँ। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें ये देख सकते हैं इसमें लाइट नहीं आ रहा। आप गौर करके देखिएगा तो इसमें लाइट नहीं आ रहा, अंधेरा में देखेंगे तो इसमें मेरा लाइट नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं हल्का लाइट आ रहा, देख सकते हैं। तो अगर इस कंडीशन में आपका चाइना फ़ोन में अगर कि लाइट का प्रॉब्लम आए डिस्प्ले लाइट का, तो आप किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और इसका हम सॉल्यूशन पहले से ढूंढ चुके हैं, तो आप लोगों को बताने में दिक्कत ना होगा और जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये 20 पिन का LCD का पत्ता रहता है, और ये फर्स्ट जो लाइनिंग रहता है ये माइनस का रहता है, सेकंड वाला जो रहता है ये पॉजिटिव का रहता है, ठीक। तो ज़्यादातर पॉजिटिव का ही सप्लाई कट जाता है। तो यहाँ से एग्जांपल आपको लेना है और डायरेक्ट ये कीपैड का जो इस साइड का लाइन जो है ये पॉजिटिव का है, ठीक है, प्लस का है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम एक जम्फर किए हैं अभी, ये देख सकते हैं इसको हम जम्फर पहले से ले चुके हैं। और ये जम्फर आपको यहाँ पे करना है, ये देख सकते हैं ये जो यहाँ है दो नंबर पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको जम्फर करना है, दो नंबर वाले पॉइंट पे, इस पे, ठीक है, दो नंबर वाले पॉइंट पे जम्फर करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को जम्फर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जम्फर करता हूँ, चेक करके दिखाता हूँ आपका डिस्प्ले का लाइट जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को हम पॉज करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये मेरे डिस्प्ले का लाइट जो है प्रॉपरली आ चुका है। और इसमें देख दिखा सकते हैं हम आपको कहाँ से कहाँ जम्फर किया था। यहाँ जो डिस्प्ले का जो कीपैड का जो है, ये कीपैड का जो LED बल्ब है, यहाँ से इस साइड पे आपको जम्फर लेना है, इस साइड से, ये पॉजिटिव का है। और यहाँ से आपको जम्फर करना है इस सब वाले पॉइंट पे, दो नंबर वाले पॉइंट पे, ये देख सकते हैं हम इसको जम्फर किए हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका जो है 100% वर्क करेगा। और अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा कि किस तरह से करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।